Hello everyone, welcome to DCM classes. Aaj hum बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल बीबीए पार्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर देखो अब सबसे पहले तो आपको सारे जो चैप्टर्स है वो यूनिट वाइज पता होना चाहिए कि यूनिट कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट के अंदर है और अभी तक तो आपको पता भी होगा इसमें इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंपेरिटिवली बड़ी है ठीक है जो पहले आपके दो यूनिट हुआ करती थी उनको मिला के इसने क्या कर कर दिया एक यूनिट दी तो देखो बिजनेस कम्युनिकेशन और प्रोसेस एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हालांकि ये पढ़ोगे तो बहुत ईजी है बहुत ज्यादा टफ नहीं है फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ओरल रिटर्न फेस टू फेस विजुअल एंड ऑडियो

एक जो टेन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो भी इसमें से अगर आप अच्छी तरह चैप्टर कर लेते हो तो अटेम्प्ट कर पाओगे ठीक है और दो दो चाचा नंबर में भी दो दो नंबर वाले में भी छोटे में भी आएंगे तो आपको सॉलिड तरीके से आप कीजिएगा अच्छा थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें आपके बिजनेस लेटर इंट्रोडक्शन और काइंड ऑफ बिजनेस लेटर ये भी बिजनेस लेटर जो होते हैं नॉर्मल तो बिजनेस लेटर आपका आएगा कि भी किस तरह से बनाना है तो उसका एक कॉमन परफॉर्म अच्छी तरह से याद कर लेना जो भी आया वो उसको लेटर राइटिंग आप कर सकते हो फोर्थ में रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रपोजल एक पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन इंटरव्यू स्किल्स और इफेक्टिव लिसनिंग दे रखा है तो ये भी बहुत, बहुत है। तो कम्युनिकेशन काम्युनिकेशन हैं, हैं में डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कम्युनिकेशन इज दर लाइफ

क्या दे देता है वो कोई सेंटेंस दे देता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो उसमें एक्सप्लेन करने का मतलब शुरुआत उससे करनी है कंक्लूजन उस पर जाके एंड करना बीच में वही जैसे फंक्शंस है इंपॉर्टेंट है जो भी उससे रिलेटेड पूछा है अब ये एक तरह से इंपॉर्टेंट ही पूछा है कि भाई बिजनेस जो कम्युनिकेशन है वो लाइफ ब्लड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बिला नहीं चल सकता तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वही चीज़ें बतानी है फिर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू वन अब ये भी देखो सेंटेंस दे दिया और डिस्कस द स्टेटमेंट ठीक है और इसमें वही स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन बताना है ठीक है फिर उसके बाद वॉट इज वॉट इन डिटेल ऑफ एडवांटेज एंड एंड ऑरल कम्युनिकेशन तो एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है उनका सेकेंड यूनिट तो मैंने कहा बहुत छीटी है दो ही चीजें उसमें नॉर्मल बनती है, फिर भी पूरा चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना इसको तो घोट के पी जाना है फिर वॉट आर द वेरियस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो एक्सप्लेन द रिमेडीज़ ऑफ ओवरकम मतलब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है और एक डिस्क्राइब द सिस्टेमेटिक बैरियर एंड टिक बेरियर ठीक है और एक ऑर्गेनाइजेशन बेरियर ऑफ कम्युनिकेशन तो ये आपको बहुत छोटा मैंने कहा इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं इस चैप्टर के अंदर आपको फिर थर्ड यूनिट में बात करें तो बिजनेस लेटर वॉट डू मीन बाई बिजनेस लेटर और उसकी इंपॉर्टेंस फिर वही बिजनेस लेटर क्या है और एक्सप्लेन प्लानिंग फेज ऑफ बिजनेस लेटर और एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर बिजनेस लेटर कैसा होता है वो आपको बताना है फिर क्लियरिफाई द एग्जाम्पल प्लान ऑफ ओपनिंग एंड एंडिंग सेक्शन ऑफ़ गुड गुड न्यूज़ न्यूज़ लेटर लेटर तो उसका ओपनिंग और एंडिंग सेशन किस तरह से क्या होना चाहिए वो बताओगे और फिर उसका एग्जाम्पल एक लेटर भी बना के आप बता सकते हो फोर्थ में देखा जाए तो इफेक्टिव लिसनिंग क्या है उसकी इंपॉर्टेंस ठीक है और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग फिर कुछ नोट्स जो 10 10 नंबर में भी आते हैं ना भाई तो इंटरव्यू है रिपोर्ट राइटिंग ये क्या बहुत छोटे-छोटे से पॉइंट हैं ठीक है थीके? तो बड़े में भी आए तो भी आप आराम से लिख सकते हो छोटे में छोड़ना नहीं है सब चीजें पढ़ना है आपको फिर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डिस्कशन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव

ठीक है तो इसमें कीजिएगा बहुत अच्छा स्कोर इजीली आप कर सकते हो ठीक है तो कीजिएगा वो दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा और मैंने बार बार कहा है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू